एटलस गुरु की क्लास में आप लोगों का स्वागत है हेलो स्टूडेंट्स वेरी वार्म वेलकम इन द क्लास ऑफ एटलस गुरु माई सेल्फ प्रमोद शर्मा फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक इंट्रोड्यूस टू माई सेल्फ ऑलरेडी आई हैव टोल्ड माई नेम आई एम प्रमोद शर्मा एंड नाउ आई एम टीचिंग इन डेल्ही सिंस टू थाउजेंड फाइव नाओ आई एम डायरेक्टर ऑफ एटलस आई एस इंस्टीट्यूट्स एंड नॉट ओनली ओन माई इंस्टीट्यूट्स ऑल्सो आई एम टीचिंग इन डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स ऑफ दिल्ली एंड नोट ओनली इन दे ऑल्सो आई एम इन्वॉल्व इन द टीचिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया इस्पेशली इलाहाबाद लखनऊ चंडीगढ़ जयपुर एंड इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ऑल्सो लाइक शिमला यूनिवर्सिटी इन शिमला हिमाचल यूनिवर्सिटी दिय ऑल्सो नोन एज हिमाचल यूनिवर्सिटी इन शिमला एंड अलीगढ़ यूनिवर्सिटी इन अलीगढ़ तो बच्चों ये मेरा बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन हुआ और हाँ इसमें एक और चीज़ नॉट ओनली इन्वॉल्व इन फील्ड ऑफ टीचिंग बट ऑल्सो आई एम इन्वॉल्व इन द फील्ड ऑफ राइटिंग सिंस 2008 टिल नाउ माय टेन बुक्स हैज़ बीन पब्लिश्ड फ्रॉम डिफरेंट पब्लिकेशन एंड टू बुक्स आल्सो इन पाइपलाइन हो सकता है आप लोगों ने मेरी ये बुक्स पढ़ी हो स्पेशली भारत भूगोल मानचित्रावली एंड विश्व भूगोल मानचित्रावली एंड इन इंग्लिश इंडियन जोग्रफी थ्रू मैप एंड वर्ल्ड जोग्रफी थ्रू मैप्स फ्रॉम अलंकृता पब्लिकेशन एंड इन डाइग्राम थ्री बुक बुक्स फ्रॉम अरिहंत पब्लिकेशन जिसमें एक निड जर की भी मेरी बुक आती है और साथ ही साथ दो बुक्स सिविल सर्विसेज से रिलेटेड एग्जाम की आती है जैसे आप लोगों ने हो सकता पढ़ी होगी भूगोल लघु त्रावली और भारत का भूगोल एवं भौगोलिक शब्दावली डियर स्टूडेंट दिस इज माई वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल आज मैं शुरू करूँगा अपने भूगोल वैकल्पिक विषय के रूप में जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि मैं भूगोल की फैकल्टी ऑप्शनल के लिए भूगोल जीएस के लिए और साथ ही साथ इकोलॉजी इन्वॉर्मेंट एंड बायोडाइवर्सिटी के लिए भी मैं टीचिंग करता रहता हूं तो इस तरह से एक मेरा अपना लंबा एक्सपीरियंस है और आप लोगों की दुआ है आप लोगों का सम्मान है ये आप लोगों का प्यार है सम्मान है कि सैकड़ों स्टूडेंट्स अब तक मेरी गाइडलाइंस में डिफरेंट एग्जामिनेशन में सफलता प्राप्त कर चुके हैं स्पेशली यूपीएससी के फील्ड में और साथ ही साथ आप देखेंगे यूपीपीसीएस, बीपीएससी और राजस्थान पीसीएस, सी में विशेष रूप से हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्सों ने सफलता प्राप्त की आज बच्चों ने ये विशेष रिक्वेस्ट किया कि सर जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसकी आप जरूर शुरुआत करिए करोना का समय जो चल रहा है नो डाउट उसकी वजह से लॉकडाउन हुआ और बच्चे इस समय अपने अपने घरों पर हैं तो ऐसे में ऑनलाइन आप अपनी क्लास जरूर शुरू करिए और इन बच्चों के रिक्वेस्ट पर आज मैं फिर आप लोगों के सामने बच्चों मैं विशेष रूप से आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा कि भूगोल क्यों वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शनल मैं आज विशेष रूप से अगले दस पंद्रह से चर्चा इसी बात पर करना चाहूंगा कि भूगोल एज ऑप्शनल क्यों और इसमें खास बात यह भी है कि भूगोल ऑप्ट करते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखें और इसमें खास बात और है कि भूगोल यदि विषय आप ऑप्ट करते हैं तो उससे अन्य दूसरे क्या फायदा हैं इस पर मैं विशेष रूप से चर्चा करूंगा साथ ही साथ भूगोल की बुक्स कौन कौन सी हैं इस पर भी मैं विशेष रूप से चर्चा करना चाहूंगा और साथ ही साथ अन्य जो दूसरे बच्चों के माइंड में क्वेश्चन है मिथ हैं विशेष रूप से भूगोल विषय को लेकर उन सब पर भी मैं चर्चा करना चाहूंगा और आपके लिए 10-15 मिनट बहुत ही डिसाइडिंग साबित होगा तो प्लीज आप कंसंट्रेट होके सुनिए और थोड़ा सा विचार कीजिए हो सकता है सिविल सेवा की तैयारी में यह 10-15 मिनट आपके लिए बहुत डिसाइडिंग साबित हो तो प्लीज बच्चों आइए सुनते हैं और देखते हैं भूगोल एज है ए ऑप्शनल क्यों ठीक है तो बच्चों जैसा कि आप लोग जानते हैं ये जो भूगोल शब्द है दो शब्दों से बना हुआ भूधन गोल यदि आप देखें ये वर्ड बना हुआ भूधन गोल यानी कि भू मतलब पृथ्वी गोल गोल मतलब गोल गोल यानी कि ये जो हमारी पृथ्वी गोल गोल है उसी का अध्ययन ये जो हमारी पृथ्वी गोल गोल है नो डाउट जो बहुत बड़ी है लगभग 510 तो मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैली हुई है एक बहुत बड़ा सतह है उन्हीं सतह का अध्ययन भूगोल है जब इसी को जब आप लोग इंग्लिश में देखेंगे तो वर्ड बनता है जियो प्लस ग्रेफी देर इज टू टर्म जियो प्लस ग्रेफी जियो मीन्स द अर्थ एंड ग्रेफी मीन्स द स्टडी इन ए वेरी सिंपल लैंग्वेज यू कैन से ज्योग्राफी जे बेसिकली स्टडी ऑफ अर्थ या और भी सिंपलीफाई मैनर में कहें तो ज्योग्राफी पृथ्वी के सतह का अध्ययन है इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पे आप इसकी बहुत सिंपल सी परिभाषा समझ सकते हैं और यहीं से बच्चों बात शुरू होती है कि भूगोल एज ए ऑप्शनल क्यों जरा सोचिए भूगोल पृथ्वी के सतह का अध्ययन है और सारी घटनाएं इस पृथ्वी पर कहां होती हैं इस पृथ्वी पर ही मानव को विभिन्न प्रकार के रिसोर्स मिलते हैं यह इस पृथ्वी पर ही मानव विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियां करता है इस प्रकृति से प्रभावित होता है और इस प्रकृति को प्रभावित करता है विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज मानव इस पृथ्वी के सतह पर ही करता है इसलिए देखोगे एक बड़ी खास बात कि भूगोल सभी विषयों से सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है इसीलिए देखेंगे आप डिफरेंट इसके एस्पेक्ट मिलते इकोनॉमी ज्योग्राफी पॉलिटिकल जोग्राफी हिस्टोरिकल जोग्राफी है ना बहुत सारे ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट आप लोग दिखाई देंगे जो भी एक्टिविटीज है कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ ठीक है ये बड़ी खास बात इसीलिए भूगोल की एक परिभाषा ये भी मानी जाती है वेन एवर वी यूज वर्ड वेयर इज देयर सुना होगा शायद आप लोगों ने वेन एवर वी यूज वर्ड वेयर ज्योग्रफी इज देयर यानी कि जहां पर भी जैसे भी आप कहाँ शब्द यूज करते हैं वो क्या है भूगोल है यानी कोई स्थान होगा स्थान होगा तो लोग होंगे लोग होंगे तो एक्टिविटीज होंगी एक्टिविटीज इन सभी का अध्ययन क्या है भूगोल इसीलिए जर्नल लाइफ से जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण विषय माना जाता है भूगोल एक बड़ी खास बात यहां पर मैं इन बातों को इसलिए रख रहा हूं कि बहुत सारे बच्चों में ये कई बार कुछ मिथ भी रहता है भूगोल को लेके कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा और रात को रटो सुबह को सफा ऐसा नहीं है हर सब्जेक्ट की अपनी कुछ खास बात होती है हर विषय की अपने कुछ वे होते हैं जब अध्ययन होगा तो निश्चित ही वह विषय आपको समझ में आएगा ठीक है तो यहां पर आप देखते हैं कि भूगोल पृथ्वी के सतह का अध्ययन है और थोड़ा सा हम लोग उन बच्चों की चर्चा करते हैं जो भूगोल से थोड़े वाकिफ कम है और भूगोल एज ऑप्शनल लेना चाहते हैं तो जरा बच्चों देखो यहां पर वैकल्पिक विषय भूगोल जैसा कि आप लोग जानते हैं इसके दो पेपर हैं जब हम इसके पेपरों की बात करते हैं तो भूगोल में दो पेपर हैं फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर और दोनों ढाई ढाई सौ नंबर ठीक है फर्स्ट पेपर देखेंगे इसके भी दो पार्ट हो जाते हैं और सेकंड पेपर देखेंगे उसके भी दो पार्ट हो जाते हैं फर्स्ट पेपर का जो पार्ट है फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी और यहाँ पर देखेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी। यानी कि ये कह सकते हैं जो इसका पार्ट है फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि भौतिक भूगोल और ये क्या है ह्यूमन इट हैज टू पार्ट और फिर जब सेकेंड पेपर में जाते हैं तो ये है जोग्राफी ऑफ इंडिया जोग्राफी ऑफ इंडिया यानी कि आप ये कह सकते हैं कि भूगोल 500 मार्क्स का यूपीएससी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शनल स्टेट पीसीएस में ये नंबर अलग अलग होता है जैसे यूपी पीसीएस में 400 मार्क्स का है तो कहीं कुछ और हो सकता है अलग अलग जगहों पर अलग अलग इसके टोटल मार्क्स देखे जाते बट इफ यू टॉक अबाउट यूपीएससी तो यूपीएससी में 500 का यानी कि 250-250 दो पेपर होते याद रहेगा चलिए फिर इसके बाद जब हम लोग देखते हैं कि भूगोल विषय ही क्यों तो बच्चों ये जो कुछ फैक्ट्स हैं अपने आप बताते हैं कि भूगोल विषय ही क्यों यदि आप इन सब चीजों को देखेंगे तो सिंपल से एक बात समझ में आएगी कि जब आप भूगोल विषय ऑप्ट करते हैं तो 250 नंबर का सीधे सीधे आपको ऐसे में फायदा हो प्रत्येक वर्ष आप दोनों ग्रुप में पहले तो एक ही होता था सात आठ ऐसे आते थे परंतु अब उसके दो पार्ट कर दिए हैं उन दोनों ग्रुप्स में आप देखोगे कोई ना कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली भूगोल से जुड़ा हुआ कोई ना कोई एक या हो सकता है दोनों में ऐसे आपको मिलेगा ही मिलेगा सीधे सीधे बातें होती हैं कि भाई ये कैसे होता है और ये क्या है इस टाइप की कुछ ना कुछ फिलोसिकल बातें या जैसे भी तो सीधा ढाई सौ नंबर का आपका ऐसे का फायदा होता है दूसरी आंतरिक सुरक्षा में यदि भूगोल विषय पढ़ते हैं भूगोल एज ऑप्शनल रखते हैं तो सबसे ज्यादा फायदा आपको आंतरिक सुरक्षा को समझने में यानी कि मेंस में बहुत ज्यादा आसानी होती है ये बड़ी खास बात है आप बहुत सारे जो टॉपिक पढ़ते हो जैसे फर्स्ट पेपर में पॉलिटिकल ज्योग्राफी के रूप में जब चीजों को पढ़ते हो विशेष रूप से मॉडल्स वगैरह तो पॉलिटिकल बातें बहुत सारी समझ में आती हैं इंटरनेशनली और जब सेकंड पेपर में पढ़ते हो पॉलिटिकल इशूज एक यूनिट ही है पूरी तो इंटरनल सिक्योरिटीज वगैरह कहाँ पे कैसे हैं क्यों प्रॉब्लम्स हैं जैसे क्रॉस बॉर्डर टेरिज्म वहाँ का टॉपिक मिलेगा या इंटरनेशनल रिलेशन में आसपास के जितने भी देश हैं उनके साथ क्या हमारे बाउंड्री बौन, प्रॉब्लम है क्यों डिस्प्यूट्स हैं जियो पोलिटिकल बातें क्या हैं इन सभी को बहुत आसानी से समझते हो तो सबसे ज़रूरी आपका आंतरिक सुरक्षा और वहीं पर जैसा मैंने अभी कहा इंटरनेशनल रिलेशन ज्योग्राफी का सबसे ज्यादा बेनिफिट इंटरनेशनल रिलेशन में होता है आप लोग जब मॉडल्स पढ़ते हो फर्स्ट पेपर का जो सेकंड पार्ट उसमें एक यूनिट है मॉडल तो जब हार्ट लैंड रिम लैंड पढ़ते हो बाउंड्री कैसे फॉर्मेशन होती है बाउंड्री कैसे बनती है उसके रूल्स क्या है तो डिस्प्यूट कहां कहा, कैसे हैं क्यों है एकदम क्लियर दिखाई देता ओ हो इंडो चाइना में क्या प्रॉब्लम है गलवान घाटी की समस्या क्यों है आखिर क्यों ऐसी कॉम्प्लीकेशंस है क्यों अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में कॉम्प्लीकेशंस है कई सारी बॉर्डर को लेके या सिक्किम के क्षेत्र में प्रॉब्लम क्यों है यानी कि या इंडो पाक प्रॉब्लम्स क्या है कई तरह की ये बहुत सारी बातें आपको यहां समझ में आती और साथ ही साथ सेकंड पेपर में जो पॉलिटिकल इशूज का टॉपिक है वहां से भी ये सब हो जाता है फिर एक बड़ी खास बात, पढ़ने का मतलब है आपकी आधी आधीमी कंफर्म भाई ऐसा क्यों सिंपल सी बात है जैसा कि मैंने शुरू में कहा सारी घटनाएं कहां पे होती हैं इस पृथ्वी के सतह पर होती हैं, तो बहुत सारी जो क्रॉप्स हैं कहां पे होती हैं क्यों होती हैं आपको ज्योग्राफी से पता चल जाएगा और कितनी होती हैं यह शुद्ध रूप से इकोनमी से पता चल जाएगा यानी कि दो स्टेप आप यहीं से पूरा कर लेते हैं तीसरा स्टेप आप वहां से जोड़ लेते हैं बस बाकी कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें तो अर्थव्यवस्था को समझने में ज्योग्राफी वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट देन बच्चों खास बात जीएस के फर्स्ट पेपर में ज्योग्राफी का पूरा पार्ट दिखाई दिखाई देता है फिजिकल ज्योग्राफी और वहां पर ह्यूमन ज्योग्राफी दोनों पार्ट दिखाई देते सत्तर अस्सी नब्बे नंबर तक यानी अस्सी से नब्बे नंबर तक आपका देखेंगे वहीं से सीधे सीधे आपको मिल जाएगा तो इस तरह से आप यहां पे यह कह सकते हैं कि यदि भूगोल लेते हैं तो ऐसे में इंटरनेशनल रिलेशन में और उसके साथ साथ इंटरनल सिक्योरिटी अर्थव्यवस्था जैसे बहुत सारे महत्वपूर्ण एरिया को समझने में आपको आसानी होगी इसीलिए मैं कहता हूं ज्योग्राफी जरूर ऑप्ट करो विशेष रूप से हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही जरूरी है क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चों में एक बड़ी प्रॉब्लम्स ये होती है कि उनके सामने कि भाई हिंदी मीडियम के बच्चे <coughs> विशेष रूप से हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए जिनके सामने ऑप्शनल को लेकर बड़ी समस्या रहती है कि यार ऑप्शनल कौन सा लें यार समझ में नहीं आ रहा है क्या करें भाई क्या करें दिस इज द प्रॉब्लम ऐसे बच्चों के लिए जोग्रफी बेस्ट है खास बात इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि इससे रिलेटेड बुक्स मार्केट में फ्रीली अवेलेबल है बहुत सारे ऑप्शनल्स आप देखोगे हिंदी मीडियम में बच्चे ऑप्ट तो करते हैं परंतु उनकी ऑथेंटिक बुक हिंदी में नहीं है नहीं है Like think about political science, think about sociology, है ना ऐसे बहुत सारे psychology ऐसे बहुत सारे subjects हैं जिनकी authentic book हिंदी में मिलती नहीं तो बच्चा परेशान होता But, if you opt geography या जो optional आपको जो भी book चाहिए सब भी ऑथेंटिक बुक अवेलेबल है और उससे खास बात उससे भी खास बात यह है कि सीधे सीधे प्रश्न आते हैं ये क्या है ये बताइए बस इंडो चाइना रिलेशन में टेंशन है तो क्यों है सिंपल इंडो चाइना रिलेशन में हो रहे परिवर्तन के तथ्यों को बताइए तो सीधा सीधा जुड़ा हुआ तो इस तरह से कहने का मतलब यह है कि भूगोल हिंदी मीडियम के लिए सबसे बढ़िया वेल डिफाइन सिलेबस सबसे खास बात यह है तो यहां पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे दो पेपर होते हैं फर्स्ट पेपर एंड सेकेंड पेपर और जब फर्स्ट पेपर में आप जाते हो तो ये देखिए आपका सिलेबस है इस सिलेबस को आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए ये जो सिलेबस है विशेष रूप से इसके भी दो पार्ट हो जाते हैं जैसा कि मैंने कहा फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी उसी में टॉपिक है आपका भू आकृति विज्ञान भू आकृति विज्ञान मतलब जियो फिर जलवायु विज्ञान क्लाइमेटोलॉजी ओस्नोग्राफी सागर विज्ञान पर्यावरण भूगोल इन्वॉमेंटल ज्योग्राफी एंड फिफ्थ इज बायो ज्योग्रफी या जैव भूगोल तो ये आपके पांच इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके किसमें में भौतिक भूगोल फर्स्ट पेपर के फर्स्ट पार्ट में यानी कि कै पार्ट में या ए पार्ट में फिर दूसरा पार्ट है ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल के संदर्श पर्स्पेक्टिव इन ह्यूमन जोग्रफी पर्स्पेक्टिव इन ह्यूमन जोग्राफी फिर उसके बाद है आर्थिक भूगोल इकोनॉमिक जोग्रफी देन पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्रफी जनसंख्या वस्ती भूगोल फिर रीजनल प्लानिंग यानी कि प्रादेशिक नियोजन एंड लास्ट है मॉडल एंड सिद्धांत यानी कह सकते हो इस तरह से पाँच पाँच यूनिट दोनों पार्ट में मिलती यानी कि टोटल फर्स्ट पेपर में दस यूनिट है वेल well डिफाइंड उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड पेपर में जाते हैं, तो सेकंड पेपर में खास बात वहां पर भी दस यूनिट है और जैसा कि मैंने कहा था सेकंड पेपर मतलब भारत का भूगोल सेकंड पेपर मतलब भारत का भूगोल भारत का भूगोल ये बात आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं और भारत के निवासी हैं भारत देश से जुड़े हुए हैं तो बहुत सारी बातें तो आप सिंपल वे में जानते ही जानते बस उन्हीं बातों को ज्योग्राफिकल अंदाज में प्रस्तुत करना बस आपकी एक जिम्मेदारी बनती है यहाँ पर जब हम टॉपिक देखते हैं तो पहला है भौतिक विन्यास दूसरा संसाधन तीसरा कृषि एग्रीकल्चर फोर्थ इंडस्ट्री यानी उद्योग फिर आपका पाँचवा है संचार और परिवहन वगैरह ट्रांसपोर्टेशन एंड सिक्स है सांस्कृतिक विन्यास और बस्ती जो है सातवां बस्ती और ये राजनीतिक परिपेक्ष प्रादेशिक आयोजना में विकास यानी कि रीजनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एंड देन आफ्टर लास्ट समसामायिक मुद्दे यानी कि टेन टॉपिक फर्स्ट पेपर में टेन टॉपिक सेकंड पेपर में टोटल आपको टोटल आपको बीस यूनिट तैयार करनी होती है यह आपका हुआ ज्योग्राफी का सिलेबस ठीक है तो मैं समझता हूं इससे सिस्टमेटिक सिलेबस आपको कहीं नहीं मिलेगा तो प्लीज ऑप्ट एज ए ज्योग्राफी ऑप्शनल पहली बार बच्चों के मन में एक बड़ी जिज्ञासा सी रहती है बच्चों के मन में कई बार टेंशन भी रहती है कि सर हम तो साइंस बैकग्राउंड के नहीं हैं और हमने तो ये सुना है कि ज्योग्राफी साइंस वालों का ना ज्योग्राफी जितना साइंस से जुड़ी हुई है ज्योग्राफी उतनी ह्यूमन से भी जुड़ी हुई क्योंकि इस स्टडी ऑफ नेचुरल थिंग्स ये जो प्राकृतिक चीज़ें सतह पर हो रही हैं है, उन्हीं सभी का अध्ययन है तो प्रकृति ने कुछ बनाए हैं तो यानी कि कुछ साइंटिफिक होगी और इसी पर ह्यूमन रहता है जो मानव ने बनाए हैं तो वह वह ओबियस सी बात है ह्यूमनिटीज जैसे बस्ती क्यों बनती हैं है, है ना बस्तियां कैसे बनती हैं फिर जनसंख्या कहाँ पर क्यों पाई जाती है इन सभी की जो बहुत सारी जनरल बातें हैं हम लोग अपने इस पेपर में विशेष रूप से देखते हैं ये बात समझ मारी आप लोगों को इट्स ए वेरी सिंपल थिंग थोड़ा कभी सोचिए और चर्चा करिए विचार कीजिए तो पहला चाहे आप ह्यूमिटीज बैकग्राउंड के हों या आर्ट बैकग्राउंड के हों चाहे आपकी कोई भी बैकग्राउंड रहा हो आप ईजिली जोग्राफी ऑप्ट करके लाभान्वित हो सकते हैं फर्स्ट आप साइंस बैकग्राउंड के हैं तो भी बल्ले बल्ले कोई प्रॉब्लम ही नहीं है मेडिकल बैकग्राउंड हो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हो खासकर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चों के लिए तो ज्योग्राफी रामबाण औषधि है इसीलिए देखेंगे इस समय सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग और मेडिकल बैकग्राउंड के बच्चे ज्योग्राफी ऑप्ट करते हैं आर यू गेटिंग दिस पॉइंट सो चाहे आइदर फ्रॉम द हिंदी आइदर फ्रॉम द इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और फ्रॉम द ह्यूमिनिटीज बैकग्राउंड और आर्ट बैकग्राउंड कहीं से भी हूं आप इजिली जोग्राफी ऑप्ट करिए डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा मोर एंड मोर बेनिफिट सेकेंड बच्चों में एक और मिथ होता है दिमाग में कि सर क्या बताएं हमें तो डायग्राम बनाने नहीं आता हमें तो डायग्राम बनाने नहीं आता और तो हमने तो ये सुना है कि सर जोग्राफी में बड़ा डा डायग्राम बनाना पड़ता है हाँ ये बात तो है बच्चों देखिए एक सिंपल सी बात बताओ हर विषय का अपना एक नेचर होता है एन स्पेशली नेचर ऑफ एनी साइंटिफिक सब्जेक्ट फर्स्ट एंड सेकेंड इफ यू वॉन्ट टू सेक्योर मोर एंड मोर मार्क्स इन द यूपीएससी डेफिनेटली रिक्वायर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन कुछ अलग करना होगा यह तो बात भाई काबिल गौर है और डायग्राम बनाना कोई बड़ी बात नहीं कौन साइसी सीख के आता है भैया हाँ सिंपल जरा सोचो रविंद्रनाथ टैगोर सत्तर साल की उम्र में पेंटिंग करना शुरू किए और एक बड़े फेमस चित्रकार बन गए हम आप तो अभी यंग हैं हमें पास होना है ना यूपीएससी में सेलेक्ट होना है बेटा ये बात समझने वाली है थोड़ा सा प्रैक्टिस करो और वैसे भी चित्रकार तो बच्चा बचपन से ही होता है सबसे पहले बच्चा चित्रकारी ही सीखता आप लोग देखिए जब बच्चा कुछ लिखना नहीं जानता है ना तो दीवारों पर सबसे पहले पता नहीं क्या क्या लाइन खींचता है लाइन ड्रॉ करता है बचपन के दिनों को याद करो और अपने सराउंडिंग्स में देखो कोई भी बच्चा हो यह काम जरूर करता तो इनहेरेंट हमारे अंदर करेक्टर होता है डायग्राम बनाने का बस उन्हें थोड़ा सा इनहांस करना प्रैक्टिस कराना मेरा काम है आप वो मेरे ऊपर छोड़िए डेफिनेटली मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि धीरे धीरे प्रैक्टिस करवा के आपका डायग्राम बेस्ट बनवा दूंगा है ना तो वो तो कोई बात ही नहीं फिर कुछ एक बच्चे ये कहते हैं कि सर ज्योग्राफी तो बड़ा कंटम्प्रेरी है ज्योग्राफी तो बेटा बहुत कम कंटेप्रेरी है और नो डाउट ये बात ध्यान रखना यूपीएससी के किसी भी सब्जेक्ट में जाओ किसी भी जो सेकंड पेपर होता है ऑलवेज कंटेप्रेरी इवन हिस्ट्री जो सबसे ज्यादा स्टैटिक सब्जेक्ट मानते हम लोग रहे भाई मुर्दों को उखाड़ना है इंटरेस्टिंग बात है उसमें भी सेकंड पेपर में बार बार मुर्दे उखड़ते रहते हैं है ना उसका अपना एक नेचर है सब्जेक्ट कोई भी हो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वो तो हाईली एंड हाईली कंटेप्रेरी पॉलिटिकल साइंस की तो बात ही मत करिए हाँ जोग्राफी भी सेकेंड पेपर डायनेमिक है उसमें जो भी प्रेजेंट टाइम में कंटेम्प्रेरी बातें हो रही हैं उसको आप लोग ध्यान दीजिए जैसे सपोज अभी हमारी नई शिक्षा नीति आई तो नई शिक्षा नीति जब आई है तो संचार से या अंत में ये जुड़ जाएगी विशेष रूप से समसामायिक मुद्दे से या फिर ये जुड़ जाएगी सांस्कृतिक विन्यास से आपके बाकायदा टॉपिक प्रसाइब है ना गवर्नमेंट क्या पॉलिसी बना रही है कैसे क्या है कहीं ना कहीं स्पेशली यहां से ये जुड़ जाए ठीक या मान लो अभी भूकंप आ जाए या अभी कोरोना काल चल ही रहा है भाई इस कोरोना काल में जरा सोचिए एक इतनी बड़ी बीमारी पूरी दुनिया को रोक दी हम सबको कहां से कहां भेज दिया इतना दूर कर दिया सोचिए हमें याद आता है और आपको भी याद आता होगा क्लास में बैठ के पढ़ना कितना अच्छा लगता था ऑफलाइन की पढ़ाई का अपना एक अलग ही आनंद है परंतु सुरक्षा की दृष्टि से प्रेजेंट टाइम में मैं कहूँगा बच्चों अपने घर पर रहते हुए ऑनलाइन का आनंद करिए ऑफलाइन को दिनों बाद होगी डोंट वरी फिर हम लोग पढ़ेंगे फिर मिलेंगे फिर बातें होंगी फिर क्लास में हंसी ठा के गुजेंगे पढ़ाई भी होगी हंसी भी होगी बट इस समय सुरक्षा सबसे जरूरी है तो भाई एक बीमारी आई कोरोना क्यों फैली भाई क्या चक्कर है ये कैसे मानव जनित समस्या है ना इन सब पर प्रश्न आपके समसामायिक मुद्दों पर बनते हैं और इसका जरा सोचिए इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या रहा भाई थिंक अबाउट इंडिया थिंक अबाउट यूएस डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वो किसमें चला गया आर्थिक भूगोल में फर्स्ट पेपर में और उससे भी बड़ी बात कुछ और मानवीय पहलुओं की आप सोचिए खासकर भारत के संदर्भ में सेकंड पेपर में देखिए सेकंड पेपर में जब आप देखेंगे तो उसी में एक टॉपिक प्रिस्क्राइब है विशेष रूप से इस सांस्कृतिक विन्यास में आपका प्रवसन माइग्रेशन माइग्रेशन आपने देखा सरकार लॉकडाउन कर रही है सरकार बीमारी को नियंत्रित करने के लिए लॉकडाउन की परंतु लोगों के मन में इतना हैवॉक इतना डर बैठ गया कि अचानक शहरों से लोग दो दो हजार किलोमीटर की दूरी तय करते हुए पंद्रह पंद्रह सौ किलोमीटर की दूरी तय करते हुए एक एक हजार पांच पांच सौ किलोमीटर की दूरी तय करते हुए लोग प्रवास करने लगे बड़े शहरों से लोग अपने अपने गांव में जाने लगे पहली बार इतने बड़े स्केल पर रिवर्स माइग्रेशन देखा गया अब तक इंडिया में माइग्रेशन होता था तो फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया बट इट हैपन फर्स्ट टाइम इन अ वेरी लार्ज स्केल माइग्रेशन फ्रॉम अर्बन टू रूरल एरिया रिवर्स माइग्रेशन हुआ भाई क्यों क्या परिणाम होगा क्या होगा ये सब री बातें आपको इतना तो जानना चाहिए ऑफ़ और मैं उम्मीद करता हूं इतना तो आप जानेंगे ठीक है तो इस तरह से आप लोग कह सकते हैं कि भूगोल एक कंटेप्रेरी है और होना भी चाहिए एक एस्पेरेंट्स के लिए कंटेप्रेरी एक ऑफिसर्स के लिए हमेशा कंटम्प्रेरी वो तो हर विषय के लिए तो भूगोल विषय में ये जो आपके कुछ समस्याएं हैं डायग्राम बनाने की भाई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है आप आसानी से बना सकते हैं हिंदी मीडियम में सफिशियंट मटेरियल अवेलेबल है एंड थर्ड समसामायिक है तो आपका वो नेचर है वो आपको बनना पढ़ना ही पढ़ना एंड एक और बात ज्योग्राफी से रिलेटेड टीचर आसानी से प्रशिक्षक उपलब्ध हैं जो आपके विषय को आसानी से समझा सकते हैं आपको जो भी प्रॉब्लम हो बता सकते हैं समझाने के साथ साथ लिखवाने के लिए भी नंबर ऑफ टीचर्स आर अवेलेबल एंड प्रमोद शर्मा वन ऑफ देम आपकी जो भी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम हो दूर करना मेरी जिम्मेदारी है साथ ही साथ लिखवाना मेरी जिम्मेदारी है कैसे प्रश्न लिखा जाएगा क्या क्या आंसर होगा यह जिम्मेदारी मेरी है तो इस तरह से बच्चों मैं एक बात कहूंगा कि आइए ज्योग्राफी ऑप्ट करिए और डेफिनेटली इससे आप लाभान्वित होंगे बहुत सारी डेफिनेटली इससे लाभान्वित होंगे और आपकी सफलता सुनिश्चित होगी ये मेरा दावा है और ये मेरा विश्वास है और ये मेरी आपके लिए शुभकामनाएं तो अगेन भूगोल एज ए ऑप्शनल विषय के लिए आप लोग विचार कीजिए और मैं उसमें आपको गाइड करने के लिए हमेशा तत्पर हूं इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं और एक और अगली क्लास में मैं मिलूंगा जिसमें कुछ टॉपिक पर डिस्कस करूंगा जहां पर समझाया जाएगा और आप लोग उन चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद नमस्ते